नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज हम क्या करेंगे कि तुमने संकरण निकालना देख लिया, उसकी शेप निकालनी देख ली। अब देखो डिटेल में यदि तुम्हें पूरी ध्यान देना, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा डिटेल पता होनी चाहिए। और डिटेल का मतलब जैसे आप लोगों को मैंने संकरण निकालने के लिए जैसे SP SP2 वगैरह सारा कंप्लीट समझा रखा है, डिटेल में कोई सी भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। लेकिन जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया NH3, अब आप सोचोगे सर इस NH3 को हम ऑर्बिटल में भरे कैसे देखें इसका लोन पेयर। तो देखिए इसके लिए आपने अभी निकाला था N की वैल्यू, N नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5, यहाँ पर ये कितना है 3, डिवाइड बाई क्या 2, कितना आ रहा है 4। संकरण क्या आ रहा है इसका SP3, संकरण क्या आएगा इसका SP3, संकरण SP3 अभी देखेंगे अपन इसके ऊपर। अच्छा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बताओ मुझे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, देखो इससे मैं क्या निकालूंगा इसका ऑर्बिटल भरूंगा। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर 3, लोन पेयर कितना 1, इससे मैं इसके इलेक्ट्रॉन भरूंगा। देखो कैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे 1s2 2s2 और क्या 2p क्या 3, तो ये जो है इसे क्या बोलोगे संयोजी कोष, संयोजी कोष। यस या नो, ये क्या है अपने पास में वैलेंस सेल, यही तो काम कर रहे थे। वैलेंस सेल जब आप भरोगे तो देखना ऊपर वाली जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी। अच्छा बॉन्ड पेयर कितने 3, लोन पेयर कितना 1, भाई जो कह रहा है वो यहाँ पर है भी, ये क्या है 2s और ये क्या है 2p, जो उसने बात बोली वो यहाँ समझ में भी आ रही है कि बॉन्ड पेयर कितना होना चाहिए, बॉन्ड पेयर होना चाहिए 3, लोन पेयर 1, बिल्कुल बात सही है, 4 है तो इसका संकरण क्या होगा sp3। तो आपने जब इसका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ, ये हाइब्रिडाइजेशन जब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ तो 4 तुम्हारे पास में कक्षकें बनेगी, और 4 कक्षकें जो बन रही है आप क्या देखोगे यहाँ पर 3 कक्षकों में तो क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक में क्या है लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर भी आपने देख लिया होगा किस में प्रेजेंट है, sp3 में है प्रेजेंट है, ये भी sp3 में, ये भी sp3 में, ये भी sp3 में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यस है ना, इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो देखिए फिर कि तुम्हारे पास में जब तुम स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो इस स्ट्रक्चर में अब आपको यही तो ध्यान देना होगा, और क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ये तो लोन पेयर है ही, ये तो लोन पेयर है ही, यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना एक लोन पेयर दिया तो इससे बॉन्ड बना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉन्ड बना, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉन्ड बना, जिससे तुम्हारे पास में ये जो नाइट्रोजन है इसकी पायरामिडल शेप ये लो भैया ये बन गई, ये बन गई ये लोन पेयर। ये जो है ये कौन है, कहाँ पर एग्जिस्ट है, ये sp3 में प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये इसकी पायरामिडल शेप हो गई। पूरा डिटेल में हमने पढ़ रखा था, ऑर्बिटल से भी तुम्हें समझा दिया, ऑर्बिटल बना के भी तुम्हें समझा दिया है। आ गई क्या बात समझ में, इसको बना लीजिए ऑर्बिटल बना के भी, डबल बॉन्ड का भी करवाऊंगा अभी कि डबल बॉन्ड कैसे लगाते हो आप लोग, डबल बॉन्ड का भी करवाता हूँ, एग्जाम्पल सोल्व करवाएंगे डबल बॉन्ड का भी, पहले तो इसको बना लीजिए। बना लिया होगा डबल बॉन्ड वाले लेके आते हैं एग्जाम्पल, CO2 को पकड़े, पकड़ ले CO2 को, देखते हैं CO2 को। ध्यान देना जो पाई बॉन्ड होंगे ना वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो देखिए CO2 को सोल्व कीजिए, CO2 के लिए सोल्व कीजिए, N इज इक्वल टू क्या होगा 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2, बॉन्ड पेयर प्लस क्या लोन पेयर, अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, लोन पेयर कितना 0, ओहो लोन पेयर कितना करना है 0। तो देखिए कार्बन क्या है, कार्बन है 1s2 2s2 और 2p क्या 2। ये सुनो अगर ये इलेक्ट्रॉनों जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे यहाँ 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा वो क्या कह रहा है लोन पेयर क्या होना चाहिए 0, यहाँ पर तो लोन पेयर 1 है तो ये क्या करेगा अब एक्साइटेड करवाओगे आप इसको, क्या करवाओगे एक्साइटेड करवाओगे, एक्साइटेड करवाओगे, देखो जानकारी पूरी मिल रही है
पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल रही है क्या हो गया तुम्हारे पास में। यहाँ पर एक एक्साइटेड हो गया, तो ये कितने हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, इसका ये तो हो गया, ये तो आपने एक्साइटेड करवा लिया, ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। कल बहुत डिटेल में बताया इसके ऊपर, बहुत डिटेल में बात की है। अब आप जब संकरण में इसको इन्वॉल्व करोगे तो संकरण में तो कौन इन्वॉल्व होगा, बात को समझना प्यारे बच्चों। एसपी तो होगा, तो एसपी के लिए देखना ये कौन है, ये 2S है और ये 2P। तो ध्यान देना, एक ये काम में ले लिया, एक ये काम में ले लिया, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास में, एसपी। इसका जो संकरण आएगा वो तो एसपी आएगा ना, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास में है, ये असंकृत क्या है, ये असंकृत कक्षा का कौन है, पी। तो ये पी टू पी तो बच गया, अब ये असंकृत है। अब बात को समझो, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, इसको इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ध्यान देना, कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो संकरण में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो असंकृत रहेंगे। जो पाई बंद आप बनाओगे वो कक्षक क्या होंगे, असंकृत होंगे। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रजेंट होंगे, असंकृत कक्षकों में प्रजेंट होंगे, तो ये असंकृत कक्षक ही तो है। तो देखना यहाँ से ये क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने दिया, एक इसका एक उसका, तो ये क्या है, इसका सिग्मा बन रहा है, ये भी सिग्मा, तो ये क्या है, इसका ये क्या बन गया, पाई। और इससे जुड़ेगा तो ये इसका क्या बन गया, पाई। कंप्लीट आप देख सकते हो आराम से बिना कोई टेंशन के, यानी कि देखो ऑक्सीजन में एक सिग्मा और एक पाई, तभी तो ध्यान देना, अरे इसका संकरण क्या निकल के आया, संकरण तो हमें पता चल गया एसपी है। इसकी शेप क्या है, इसकी शेप रेखीय है, लीनियर शेप है, लीनियर शेप है। प्यारे बच्चों कौन सी शेप है, अरे लीनियर बन जा रे, लीनियर शेप है इसकी, अरे बात समझ में। और लीनियर शेप है तो डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड, ओ प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बना लीजिए इसको, मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए, एक बार बना लीजिए। बना लीजिए इसको, चले अपन आगे आगे बात करें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, डी वाला भी ले लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, डी वाला भी देख लेते हैं, डी वाला भी देख लेते हैं, डी वाला भी देख लेते हैं। जैसे PCl5 लेते हैं, इस PCl5 वो बोले PCl, अच्छा PCl5 तो आप लोगों ने कर रखा है, क्या दूँ आप लोगों को, कौन सा एग्जांपल मैं सोल्व करवाऊँ जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, इसको सोल्व करें SO4-2 को, ठीक है ना। इसके देखें ऑर्बिटल कैसे देखेंगे, ये लास्ट एग्जांपल सोल्व करूँगा इसको, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ऑर्बिटल में कैसे भरूँगे इसको। तो देखें N=, संयोजी कोष में सल्फर के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अच्छा कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई एक्स नहीं है, प्लस कितना होगा 2, क्योंकि ध्यान देना माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइड बाई क्या 2, तो कितना आएगा 4। बॉन्ड पेयर प्लस क्या, लोन पेयर, जब बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर 4, लोन पेयर क्या होगा 0। तो इसको सोल्व कीजिए, देखो सल्फर, सल्फर के लिए जो तुम्हारे पास में कॉन्फिग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 3H2 और 3P4 ये आएगा प्यारे बच्चों। इसका जो संयोजी कोष विन्यास होगा वो होगा 3H2 और 3P4। कैसे फिल करोगे इनको, ये क्या है 3S, ये क्या है 3P, 3P में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अच्छा प्यारे बच्चों बात को समझना, यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं 0। अच्छा यार एक बात बताओ, लोन पेयर जब 0 हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, लोन पेयर 0 है, तो यहाँ तो लोन पेयर 2 है,
तो इसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए देखना, मैं एक साथ करवा रहा हूँ, एक तो एक एक्साइटेडमेंट स्टेट तो ये, यानी कि एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट और फिर ये क्या चला जाएगा, एक साथ कर रहा हूँ मैं ये एक्साइटेड स्टेट क्या है टू, तो एक साथ हमने यहाँ पर एक्साइटेडमेंट करवा दिया। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चले गए, उसके अंदर डी के अंदर। ये कौन है 3s, ये कौन है 3p, और डी में ये इलेक्ट्रॉन चले गए प्यारे बच्चों, तो कितना 1 और 2, ये 3d हो गया। यस एंड नो, चलो भाई देखो देखो देखो, SO4 माइनस टू सॉल्व करें। चलो भाई सॉल्व करो, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये कौन है 3s, ये कौन है 3p, और ये कौन है 3d, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, तो एक काम करो, ये एक ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और इससे बॉन्ड बना लिया सिग्मा, और ऑक्सीजन के खुद के पास में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और सिग्मा बॉन्ड बना लिया, खुद ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना लिया सिग्मा बॉन्ड, तो बना लिया इसने, क्या बना लिया सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना लिया सिग्मा बॉन्ड। अब क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और ध्यान देना कि इसका जो संकरण आया है वो तो क्या आया है तुम्हारे पास में sp3 तो आया है, यस या नो, तो ये जो तुम संकरण में इसको इन्वॉल्व, अच्छा इसको संकरण भी बना दीजिए, इसका संकरण भी कर लीजिए। संकरण जब आप करोगे तो sp3 की ऊपर बात करोगे तो तुम्हारे पास में चार यहाँ पर क्या बनेंगे 1 2 3, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3, और ये क्या 4, बाकी से ये 3d वाला इधर पड़ा हुआ है, ये कौन है 3d, और ये कौन बन गया है तुम्हारे पास में sp3 और ये sp3। तो देखिए ये ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो तुम्हारे पास में बॉन्ड बन गया, ये किसका बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ देखिए ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सिग्मा बॉन्ड बना, और एक उससे किया तो इससे क्या बना पाई बॉन्ड, क्या बन गया पाई बॉन्ड, फिर देखिए तुम्हारे पास में ये ऑक्सीजन से एक से तो क्या बना सिग्मा बॉन्ड, और इससे जुड़ गया तो क्या बन गया पाई बॉन्ड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर तभी दो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं, बाकी दो में सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये लो भाई कंप्लीट मैंने यहाँ समझा दिया है इसको, सेकंड पोस्टुलेट आज अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की, ये बना लीजिए फटाफट, यहाँ तक का बना लीजिए। बना लिए, अब थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट आप देखिए थर्ड पोस्टुलेट है इट डील्स विद द बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल, विद द बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, यह अणु के बंद कोण की व्याख्या भी करता है ठीक है। देखो कैसे
बॉन्ड एंगल के लिए अब आपको देखो क्या क्या पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। जो जो बात आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ बॉन्ड एंगल के लिए। तो देखते चलो आप बॉन्ड एंगल अपन सोल्व कैसे करेंगे, बॉन्ड एंगल कैसे सोल्व करेंगे। पहली बात तो ध्यान देना, बॉन्ड एंगल के लिए एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना, बॉन्ड एंगल के लिए कॉन्सेप्ट ये देखना कि तुम्हारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, बात को समझना, मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल की बात को समझना, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल तुम्हारे पास में प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में देखना कि क्या वहाँ पर, बात को समझना कि यदि वहाँ पर लोन पेयर क्या हो, समझना ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये जो अणु है तुम्हारे पास में, इस अणु में यदि लोन पेयर क्या हो, लोन पेयर एब्सेंट हो, लोन पेयर क्या हो, एब्सेंट हो, पहली बात तो ये। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो, अनुपस्थित हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, आई बात समझ। पहली बात तो लोन पेयर एब्सेंट हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो, अनुपस्थित हो। फिर आप उसमें देखोगे, फिर और नीचे चलोगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास में, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, अनुपस्थित है। तो फिर देखोगे आप उसका संकरण, संकरण हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलना चाहिए आपको, पहली बात तो क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। क्या देखोगे, संकरण देखोगे, समान मिलना चाहिए, अरे बात सुन, यस या नो। फिर जो भी मॉलिक्यूल है ये समान हो गया। इसके ऊपर अब हम बात करते हैं कि किस टाइप के एग्जांपल की हम बात करना चाह रहे हैं, आई बात समझ। तो ऐसी कंडीशन जब भी तुम्हारे पास में होगी तो इन ऐसे मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबका क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे मॉलिक्यूल के लिए समझना बात को, ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जो बंध कोण का मान होगा वो समान होगा। देखो थ्योरी लिखवा दूंगा, नहीं समझ में आएगा भैया, समझ लेना। मॉलिक्यूल हो लोन पेयर, उसके अंदर एब्सेंट हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक एटम के एक परमाणु एक अणु में समान होनी चाहिए, दूसरे से अपने को मतलब नहीं है। यानी कि इस टाइप के एग्जाम्पल में पहले सोल्व कर रहा हूँ, देखो जैसे तुम्हारे पास में है BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यहाँ n की वैल्यू होगी कितनी, n की वैल्यू है इसके लिए भी कितनी आ रही है, 3, इसके लिए भी 3, 3 और 3। यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर देखिए, बॉन्ड पेयर 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, 3 प्लस क्या हो गया 0, 3 प्लस क्या हो गया 0। अब बस देखो लोन पेयर क्या है, एबसेंट। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखिए, हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लो, इसका भी क्या आ रहा है sp2, इसका भी क्या आ रहा है sp2, इसका भी sp2, इसका भी क्या आ रहा है sp2, यस या नो। अब ये भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या इस एक अणु में उपस्थित सारे लिगेंड, इस एक अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो भी तुम्हारे पास में एटम प्रेजेंट है वो क्या आइडेंटिकल है क्या? तो यदि वो आइडेंटिकल है तो ऐसे केस में जो बंद कोण है, इनका जो बंद कोण होगा, इनका जो बंद कोण है, बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि BF3 का बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू BCl3 इज इक्वल टू BBr3 और इज इक्वल टू Bi3। प्यारे बच्चों ये बात समझ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है अपने आप में। छोटे बच्चे हो, मन के कच्चे हो तो थोड़ा सा इसको समझना कि इनका बंद कोण हमेशा समान होगा। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, लोन पेयर एब्सेंट होनी चाहिए। हाँ ये डिफरेंट में ये क्या हो सकते हैं,
डिफरेंट में ये डिफरेंट हो सकते हैं, पर यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होगा, अनुपस्थित होगा। आई बात समझ। अब मैं डिटेल इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर जाऊंगा, ये एक अलग से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ताकि आप लोगों को याद रहे हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। चलिए अपन आगे बात करें। पहले ये बना लीजिए, फिर मैं डिटेल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ। चले अपन अब डिटेल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। मॉलिक्यूल है, लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अरे बस हम। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि इस परमाणु में उपस्थित जो लिगेंड होनी चाहिए ना, वो आइडेंटिकल है एक के अंदर, दूसरे में कोई डिफरेंट हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए भैया, सबसे पहले आप क्या है, बॉन्ड एंगल देखते वक्त आप सबसे पहले क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। देखना मैं जैसे बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। सबसे पहले संकरण निकालोगे प्यारे बच्चों, बॉन्ड एंगल चेक करते वक्त सबसे पहले संकरण निकालोगे। और यदि तुम्हारे पास में संकरण आ गया sp2 और क्या आ गया sp3, तो जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp आया है उसका सबसे ज़्यादा, फिर sp2 का और फिर sp3 का, ये बॉन्ड एंगल का होगा। चले अब भैया यहाँ क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों का सोल्व नहीं हुआ, तो फिर देखोगे इफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल है, या इफ मोर देन वन मॉलिक्यूल पजे सेम हाइब्रिडाइजेशन, इफ मोर देन वन मॉलिक्यूल पजेज सेम हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ। यदि एक से अधिक अणु का संकरण समान हो तो फिर क्या देखोगे, फिर आप देखोगे नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या देखोगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। आप क्या चेक करोगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या चेक करोगे। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या यदि इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये बात देखोगे आप, पहले यहाँ तक काम कर लीजिए। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। अब मान लीजिए तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे भी सोल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर तुम और नीचे जाओगे और किसको देखोगे, आप देखोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, विद्युत ऋणता। अब देखो विद्युत ऋणता किस किस की देखोगे, विद्युत ऋणता देखोगे आप, पहले तो देखोगे कि कौन वेरी कर रहा है। विद्युत ऋणता देखोगे केंद्रीय धातु परमाणु की, सेंट्रल एटम की देखोगे। एक तो देखो सेंट्रल एटम अलग अलग है तो इसकी देखना, अदरवाइज फिर क्या देखोगे आप, लिगेंड की देखोगे।
या सराउंडिंग एटम की देखोगे? सराउंडिंग एटम की देखोगे, आई बात समझ? सराउंडिंग एटम की देखोगे तो केंद्रीय धातु परमाणु में आप क्या देखोगे कि केंद्रीय धातु परमाणु की यहाँ यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि इंक्रीज हो रही है, बात को समझना, ये है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होने पर ये तुम्हारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बॉन्ड के इनकी तरफ खींच के आएंगे, इस सेंट्रल इस केंद्रीय परमाणु के ऊपर खींच के आएंगे, जिससे क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोन पेयर रोल पेयर रिपल्सन की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि इसकी बढ़ गई ना केंद्रीय परमाणु की, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले तो पूरा ये बना लीजिए, फिर इससे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के सामने बना दिया है, फिर अपन इसका क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों फटाफट बना लीजिए इसको। फिर इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए करें इसको सॉल्व, देखें करते हैं, बिल्कुल सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बोला गया है ना वैसे वैसे ही करोगे, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे ही करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल देख लेना, थोड़ा बहुत ध्यान देना कि तुम्हारे पास में सेप देखो सबसे पहले तो, और फिर उसका देखो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेप यदि तुम्हारे पास में लीनियर हो ना, रेखीय हो ना, तो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। रेखीय रेखीय होने पर कितना होगा? 180 डिग्री। और तुम्हारे पास में यदि तुम्हारे पास में क्या हो जाए, ये हो जाए ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर की बता रहा हूँ, परफेक्ट स्ट्रक्चर की बता रहा हूँ मैं, परफेक्ट स्ट्रक्चर की बता रहा हूँ मैं, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर, अरे यार ट्राइगोनल प्लेनर के लिए यानी कि त्रिकोणीय त्रिकोणीय समतलीय की जो है बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। प्यारे बच्चों ये आप लोगों को देखना होगा थोड़ा सा। एक जो टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय है, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री और 28 क्या होगा मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। आगे बात समझ में? ये इनका तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब ध्यान देना, और किसी के लिए हम याद नहीं करेंगे। जैसे आप बोलो H2 के अंदर सर क्या बॉन्ड एंगल होगा, तो इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। अरे बात समझ में? हाँ, ये जरूर देखेंगे कि वो कम होगा ज्यादा होगा, इसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन क्या है तुम लोगों के पास में, क्वेश्चन क्या है? CH4 NH3 H2O, इनको सोल्व करते हैं अपन, CH4 NH3 और H2। देखो सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, N की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों
इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर यहाँ एन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। देखो भैया ऐसे क्वेश्चन के लिए सी एच फोर के लिए हम देखो एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू कितना आएगा, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है चार, हाइड्रोजन कितने हैं चार, डिवाइड बाई क्या टू, तो कितना हो गया, इसके लिए वैल्यू आएगी चार। तो देखो इसका बॉन्ड पेयर प्लस क्या देखोगे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना है फोर, लोन पेयर क्या हो गया जीरो, यस या नो। तो पहले तो ये देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है sp3। सबसे पहले आप देखो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो इसके, NH3 का चेक करोगे तो NH3 में भी n इज इक्वल टू क्या देखोगे पाँच प्लस तीन डिवाइड बाई टू कितना चार, चार का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहा है sp3। फिर देखोगे H2O, H2O में भी n, n देखो चेक करो चेक करो चेक करो, क्या चेक करोगे ऑक्सीजन में सिक्स प्लस टू डिवाइड बाई क्या टू और ये कितना रहा फोर, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है sp3। अच्छा प्यारे बच्चों जब सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए सेम आ जाए तो फिर कहाँ जाते हो आप लोन पेयर के ऊपर, लोन पेयर के ऊपर चलो। यहाँ पर लोन पेयर कितना है, लोन पेयर यहाँ पर है जीरो, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है दो, और क्या कहता है नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा H2O NH3 और फिर क्या CH4, यही तो होगा। आ गई क्या बात समझ में, बनाइए इस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये तो कर ही लिया H2O CH4 BF3 और CO2, इसको सोल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले आप देखिए इनके लिए n की वैल्यू मैं बता रहा फटाफट, तुम सोल्व कर लेना, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको n की वैल्यू। इसके लिए चार होगी, इसके लिए भी चार होगी, इसके लिए तीन होगी, इसके लिए दो होगी। तो इनका जो संकरण निकल के आएगा प्यारे बच्चों, इसका आएगा sp3, इसका आएगा sp3, इसका आएगा sp2, इसका आएगा sp। तो देखिए जिसका sp होता है उसका बॉन्ड एंगल सबसे, बंद क्रम का ऑर्डर बॉन्ड एंगल इसका सबसे, CO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर किसका BF3 का, BF3 का। अब भैया तुम्हारे पास में संकरण दोनों के क्या हो गए समान हो गए, तो क्या देखोगे लोन पेयर, और मैं ध्यान देना यहाँ लोन पेयर देखूँगा तो यहाँ दो होते हैं, यहाँ क्या होता है जीरो, और लोन पेयर जिसमें ज़्यादा होते हैं उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है कम होता है, लोन पेयर जितने ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होता है कम होता है, तो सी एच फोर में ज़्यादा होगा, इन दोनों के तो लोन पेयर देखने की जरूरत ही नहीं है, तो सी एच फोर में क्या होगा ज़्यादा सी एच फोर और फिर ये क्या एच टू। ये लो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे, और इसी के साथ में आप लोगों की क्या कंप्लीट होगी, लुईस थ्योरी कंप्लीट होगी, वीबीटी कंप्लीट हो गई, और क्या कंप्लीट हो गया वेस्पर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में आपका ये जो यूनिट सेकंड है उसका पूरा एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड पोर्शन बचा है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो प्यारे बच्चों ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।